दोस्तों आपका वेलकम है ऑटो पिक्सल के अंदर। काफी दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो आज बात करेंगे सीएनजी गाड़ी के ऊपर। जो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ फिलहाल, ये मेरे पास हुंडई की लाइट i20 है और मुझे किट लगवाई इसके अंदर करीब मोस्टली 2 हफ्ते हुए हैं और 2 हफ्ते के अंदर मैंने गाड़ी अभी तक 500 किलोमीटर करीब चला ली है। ज़्यादा नहीं चला पाया हूँ सीएनजी के उससे, पर करीब मैंने इसको 500 किलोमीटर करीब गाड़ी चला ली है। और 500 किलोमीटर के अंदर मेरा जो फिलहाल का अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वो मतलब अच्छा रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई गाड़ी के अंदर। अब इसके अंदर जो एक मेरे को छोटा सा इशू लग रहा है वो सिंपल है और जो सब ये बताते हैं कि सीएनजी के अंदर हल्का सा पिकअप में लैग आता है, लैग नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा सा इसमें पिकअप सीएनजी में और वैसी गाड़ी में हल्का सा फर्क रहता है, स्टार्टिंग में रहता है। जब तक अगर आपकी गाड़ी गर्म नहीं होगी तब तक ये डिफरेंस रहेगा, और एक बार जब आपकी गाड़ी गर्म हो जाएगी फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप गाड़ी सीएनजी पे चला रहे हो, पेट्रोल पे चला रहे हो, या डीजल पे चला रहे हो, या हाइड्रोजन पे चला रहे हो, या गाड़ी इलेक्ट्रिक चल रही है, कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने जब तक गाड़ी चलाई है इसके अंदर मेरे को अभी कुछ भी फील नहीं हुआ, गाड़ी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल मैं बताऊँ 95% मैं अभी फिलहाल तक खुश हूँ। 5% मैं क्यों खुश नहीं हूँ फिलहाल ये मैं आपको आगे बताऊँगा। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने कौन सी किट लगवाई, सबसे पहला पार्ट ये आता है, काफ़ी लोगों के मन में ये मिथ है कि हमें कौन सी किट लगवानी चाहिए या कौन सी किट नहीं लगवानी चाहिए, काफ़ी लोगों के मन में ये मिथ है, तो मैं धीरे धीरे वीडियो बना के इस मिथ को आपकी दूर करता जाऊंगा कि इलाइट i20 के अंदर या हुंडई की किसी गाड़ी के अंदर किट लगवानी चाहिए, सीएनजी लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो पहली बात करते हैं कि किट की, मैंने किट कौन सी लगवाई है। तो मैंने जो अपनी गाड़ी में किट लगवाई है वो है गैस टैग की इडली OBD2, गैस टैग इडली OBD2। ये एक इंडियन ब्रांड है, मतलब इटली से इसके जो पार्ट्स हैं वो आते हैं, इंडिया के अंदर इंपोर्ट होते हैं और इंपोर्ट होने के बाद ये लोग असेंबल इंडिया में करते हैं और काफ़ी अच्छी किट है। इवन मेरे जो काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं, करीब 7 से 8 गाड़ियों के अंदर यही किट लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस किट के साथ एक छोटी सी बात भी है, मैं आपको बताऊंगा। जब मैं गाड़ी के अंदर किट लगवाने के लिए गया था तो जाने से पहले मैंने फ़ोन करके, जहाँ से मेरे को लगवानी थी मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे बात की कि मेरे को मेरी ये गाड़ी है और मुझे किट लगवानी है तो आप कौन सी सजेस्ट करोगे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं इसके अंदर आपको मीज़ो की किट बताऊंगा लगवाने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को मीज़ो की किट लगाने के लिए सजेस्ट किया। तो मीज़ो भी एक अच्छा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, मैन्युफैक्चरिंग भी उसकी इंडिया की है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जहाँ से मैं सीएनजी लगवाने के लिए गया था, जहाँ मैंने बात की थी, तो वो भी काफ़ी साल से इस बिज़नेस में हैं और वो हमेशा बिल्कुल सही चीज़ ही सजेस्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे मीज़ो बोला, मैंने कहा ठीक है मैं आपके पास नेक्स्ट वीक आता हूँ। तो जब उनके पास मैं अगले हफ्ते गया तो उन्होंने मेरे को मीज़ो से हटकर गैस टैग ही सजेस्ट करा। गैस टैग से पहले उनके एक सेक्रेटरी थे, वो जब तक ऑफिस नहीं आए थे अपने, उन्होंने मेरे को बोला कि आप डीजी फ्यूल लगवा लो। तो मैंने उनसे पूछा कि डीजी फ्यूल क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने तो नाम भी बारी सुना था डीजी फ्यूल, मैंने नाम नहीं सुना था। तो उन्होंने ये बताया कि डीजी फ्यूल के अंदर एक एडसर जो आता है वो हम आपको उसके अंदर फ्री देंगे, बाकी के अंदर आपको इसमें अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलग से पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मेरे को किट अच्छी चाहिए। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि डीजी फ्यूल के अंदर आपको एक ये एडवांटेज मिलेगा कि इसमें आपको फिल्टर साथ मिलेगा। मैंने पूछा किस चीज़ का फिल्टर, तो उन्होंने मेरे को बताया
कि जब गैस रिड्यूसर के अंदर से होके हमारे गाड़ी के अंदर जाती है, सॉरी जब गैस हम फिल कराते हैं और वो हमारे सिलेंडर में भरी आती है, तो उसके अंदर क्या होता है, कई बार काफ़ी बार क्या होता है, कुछ ऑयल के सब्सटेंसेस होते हैं वो आ जाते हैं साथ में, जिससे कि बाद में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को सजेस्ट करा कि आप एक काम करो, आप डीजी फ्यूल लगवा लो। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। इतने में क्या हुआ, जो वहाँ के ऑनर थे वो आए और उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मेरे को सीधा बोला आप कोई किट मत लगवाओ, कोई आप डीजी फ्यूल नहीं, कोई मीजो नहीं, कोई मोटरजैन नहीं, आप सीधा गैस टैग लगवाओ। मैंने कहा गैस टैग तो आपने पहले मना कर दिया था। तो बोले कि मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि गैस टैग जो था वो आ नहीं रहा था, मेरे पास माल गैस टैग का खत्म था और पीछे से शॉर्ट था, वो माल आ ही नहीं रहा था, और मेरे पास माल गैस टैग का कल ही आया है और बिल्कुल नया माल बन के आया, बहुत अच्छा मतलब कैलिब्रेशन है उसके अंदर। मैंने कहा ठीक है फिर, अगर अब वही है तो आप फिर मेरे को वही दे दो। तो तब फाइनली जाके मैंने गैस टैग डिसाइड किया और फिर मैंने वही लगवाया। अब बात करते हैं कि मैं जो मैंने आपको बताया था कि मैं 5% गाड़ी से क्यों खुश अभी तक फिलहाल क्यों नहीं हूँ, क्योंकि गाड़ी को दो हफ्ते हुए हैं, अभी 17 तारीख को मैंने किट लगवाई थी और अभी दो हफ्ते पूरे हुए नहीं है, ऑलमोस्ट अभी 12 दिन ही हुए गाड़ी के अंदर CNG लगवाए हुए। तो 12 दिन के अंदर एक्चुअली जो भी मैंने इंक्वायरी करी थी और जो भी मैंने बातें की थी और जो मेरे को पता चला वो यही था कि I-20 जो है वो एक बार 8.5 किलो गैस में, 8 किलो गैस में करीब 180 किलोमीटर चल रही है, लेकिन जब पहली बार गाड़ी के अंदर मैंने CNG फिल कराई तो प्रेशर अच्छा आया था, 8.25 किलो गैस करीब आई थी गाड़ी के अंदर, और मेरी गाड़ी जो टोटल चली थी वो चली थी 130 किलोमीटर पूरी, मतलब सिटी में आप बोल सकते हो, सिटी में भी चली थी वो थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मान के चली 40 से 45 किलोमीटर वो हाईवे पर चली थी। तो जब पहली बार वो 135 किलोमीटर ही चली, 130-135 किलोमीटर चली, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा यार। मैंने कहा, मैंने ये सोचा कि मैंने जिसकी भी पूछी है उसने मेरे को 180-200 तक भी बताई है, लेकिन मेरे को तो किसी ने ये भी बताई थी कि उसकी गाड़ी 8 किलो गैस में 240 किलोमीटर तक चलती है हाईवे पे, और ये बात सर्दियों की है। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा मतलब मायूसी हुई कि जहाँ पे एवरेज करीब 21-22 की आनी चाहिए, वहाँ पे एवरेज मेरे को गाड़ी वही 15-16 की दे रही है, और 15 की एवरेज तो मेरे को गाड़ी हाईवे पे पेट्रोल पे भी दे रही थी। तो वो थोड़ा सा मुझे सुन के या देख के मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो फिर उसके बाद मैंने, पर जैसे जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ थोड़ा सा एवरेज में फ़र्क है, और गाड़ी चल रही है ठीक ठाक फिलहाल, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने CNG वाले से ये बोला कि आप पहले गाड़ी को चलाओ करीब 1 महीना हाईवे पे भी चलाओ, उसके बाद अगर एवरेज कमाते तो हम बैठे। तो ये अपडेट है अभी तक की 12 दिन की, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कौन सी किट लगी है और किट के साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं और स्टैंड मैंने किस तरह से लगवाया। बूट स्पेस सबसे मेन चीज़ है, आप बूट स्पेस अपना किस तरह से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा अपनी I-20 और CNG से रिलेटेड। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।